करंटली ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी की शेयर की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 40% तक गिर चुकी है। अगस्त 2023 में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 850 के लेवल तक पहुंच चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कंपनी के शेयर की प्राइस है 347 के आसपास की। कंपनी के शेयर्स में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 40% तक का डाउनफॉल आया है और करंटली इस कंपनी के शेयर में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। अगर आप लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ बायर्स कम है लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके वजह से कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इस कंपनी के फंडामेंटल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और करंटली ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के शेयर की प्राइस क्यों गिरते जा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का बिजनेस मॉडल क्या है। बाय द वे जब भी आप लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा तब यहाँ पर आप लोगों ने ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के बारे में सुनाई होगा। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड जो है वो मार्केट में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर है जो कि क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर आपको लॉन्च एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपको जानना है कि आपके क्रेडिट कार्ड में लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, आप लोग लॉन्च एक्सेस फ्री में कर सकते हैं कि नहीं, तो इस चीज का पता लगाने के लिए ड्रीम फॉक्स लिमिटेड के प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे बैंक्स एंड NBFCs हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, वो इसके क्लाइंट हैं जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। और इसी के साथ साथ अगर कार्ड नेटवर्क की बात की जाए तो रुपे नेटवर्क कार्ड, वीजा नेटवर्क कार्ड और मास्टर कार्ड नेटवर्क का भी यहाँ पर इनके साथ टाई अप है। इंडिया के अलावा ये कंपनी जो है 152 कंट्रीज में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है और करंटली इस कंपनी के 1500 से ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं, मतलब 1500 से ज्यादा जगह पर ये कंपनी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और वहीं पर इंडिया के एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस प्रोवाइडर्स की कैटेगरी में देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट शेयर पूरा का पूरा 95% का है, मतलब इस सेक्टर की एक मोनोपोली कंपनी है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के अलावा भी दो इंपॉर्टेंट काम करती है। नंबर वन, एयरपोर्ट के पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज भी ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। और नंबर टू, और एयरपोर्ट के आसपास में जितने भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट होते हैं तो वहां के एक्साइटिंग डिस्काउंट एंड ऑफर भी आपको प्रोवाइड करती हैं। मतलब ओवरऑल इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से बढ़ते जाएगा और यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे तो मार्केट में नंबर ऑफ ट्रैवल्स बढ़ते जा रहे हैं और जितने ज्यादा ट्रैवलर्स बढ़ते जाएंगे इस कंपनी का रेवेन्यू और इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस के गिरने के पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर रीजन आता है कंपनी के क्वार्टर वन के परफॉर्मेंस। अगर आप लोग इस कंपनी के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं आया है जितना एक्सपेक्टेशन लगाया गया था। अगर आप कंपनी के EBITDA और प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों अराउंड 4% के आसपास गिर चुके हैं। अगर आप लोग EBITDA मार्जिन की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 500 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के गिरने के पीछे के दो रीजन है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट का चार्ज है वो इंक्रीज हो चुका है और इसी के साथ साथ जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काफी ज्यादा डिले हुआ है। इसी की वजह से कंपनी के क्वार्टर वन के प्रॉफिट्स में आपको गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपको ज्यादा ही दिखाई देगी। अगर आप लोग इस कंपनी का PE रेशियो देखेंगे और इस कंपनी का PB रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का PE रेशियो और PB रेशियो काफी ज्यादा है। और इसके पीछे के भी तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर वन, मोनोपॉलिटिकल बिजनेस, असेट लाइट मॉडल एंड नंबर थ्री, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इन्हीं तीन रीजन की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन हमेशा ही ज्यादा रहती है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को IPO के टाइम से देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर जो है अपने करंट मार्केट प्राइस से 110 गुना ज्यादा लिस्ट हुए थे और मार्केट की जो वैल्यूएशन है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम हो चुकी थी क्योंकि रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन करंटली इस कंपनी के शेयर 40% से ज्यादा गिर चुके हैं, तब यहाँ पर इस कंपनी को लेकर आपका फ्यूचर आउटलुक क्या होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि करंटली मार्केट में कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है और ऐसा करने के लिए करंटली ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप करने का प्लान किया है। करंटली इस कंपनी ने प्लाजा प्रीमियम ग्रुप के साथ टाई अप करने का प्लान किया है जहां पर ड्रीम फॉक्स सर्विसेज जो है वो 300 आउटलेट्स पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, मतलब प्रीमियम प्लाजा ग्रुप के 300 एयरपोर्ट्स पर कंपनी लॉन्च एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड करेगी। और प्रीमियम प्लाजा ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री शामिल है पता है? इस डील के अंदर ये कंपनी लॉन्च एक्सेस की सर्विस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड UK में प्रोवाइड करने
करने वाली है। इसके अलावा इस कंपनी ने VFS ग्लोबल के साथ भी टाइप किया है जो मार्केट की बहुत ही ज्यादा रेपुटेड कंपनी है। अगर आप लोग इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखेंगे तो दोनों 36% और 44% CAGR की ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये एक डेट फ्री कंपनी है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 30% के आसपास का है। इसके अलावा इस कंपनी का टारगेट है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 25% से होगी, वो भी नॉन लॉन्ज एक्सेस बिजनेस से। तो ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अगर स्टॉक प्राइस में करेक्शन आती है तो यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा हो।